नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर के सौजन्य से विकास खंड हमीरपुर के सभी महिला मंडल एवं युवक मंडल की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर के लेखाकार इंद्रपाल गोयल ने की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार महिला मंडल एवं युवक मंडल का विकास करने के लिए कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। महिलाओं के लिए सिलाई, ब्यूटिशियन, सॉफ्ट टॉयज, अचार, चटनी आदि ट्रेनिंग मुफ्त में मुहैया करवाए जा रहे हैं। महिलाओं के विकास के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कार्यक्रम भी आयोजित करता रहता है। सभी महिला मंडल को एवं युवक मंडल को भारत सरकार द्वारा 34 कार्य को सफलतापूर्वक करवाने पर भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। उन्हें जिला स्तर पर 25,000 रुपए, प्रदेश स्तर पर 1,00,000 रुपए व राष्ट्रीय स्तर पर 50,00,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर की राष्ट्रीय स्वयंसेवी अंजलि मिन्हास ने सभी महिलाओं को आधार कार्ड के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर के ज्योति शर्मा, अनिता कुमारी, रजनी कुमारी, राजीव ठाकुर, अंकिता ठाकुर, सफल डोगरा, सोनिका, शुभम शर्मा, लता आदि ने भाग लिया। नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर की ओर से विकास खंड हमीरपुर के जितने युवा मंडल और महिला मंडल थे इनकी हमने सर्वे किया हुआ है, जो कि 9 तारीख से चला था। और इन क्लबों का जो हमने सर्वे करके इनका प्रधान उपप्रधान का नाम या मतलब इनके मोबाइल नंबर या इनका आधार कार्ड नंबर ये पूरा करके हमने इसको जो है ऑनलाइन करना है। सारे हमीरपुर का जो है युवा मंडल महिला मंडल के पूरा बायोडाटा ऑनलाइन किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज की जो है बैठक रखी गई थी और इसमें जिला हमीरपुर के जो है विकास खंड हमीरपुर से कुछ 12-15 जो है महिला मंडल भाग ले रहे हैं, जिनके कोई 70 महिला जो है इस टाइम हमारे पास प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन करने के लिए इनका अपडेट डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं ताकि सरकार को ये पता लग सके कि हमीरपुर में कितने यूथ क्लब और महिला मंडल एक्टिव हैं और कितने जो है नॉन एक्टिव हैं। जो नॉन एक्टिव हो चुके हैं उनको जो हम दोबारा जो है सक्रिय करने जा रहे हैं, और इसके लिए हमारे नेहरू युवा केंद्र की ओर से 10 लोगों का हमने एक दल भेजा था, जिन्होंने पूरे विकासखंड में भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर युवा मंडल का सर्वे किया हुआ, सर्वेक्षण करके उनके फार्म हमारे पास जमा करवा दिए, और इसके लिए जो आज हमने इनकी क्लस्टर बैठक रखी।